अरे बैठ पीछे बैठ व्यक्तिगत मंत्री जी बैठ। अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरविंद अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा मंत्री जी सुन, माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्माननीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की, उसका शिवसेना का इनका गट का उद्धव जी गट का गट ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस पर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, साथ में 1900 यानी अरे बैठ पीछे बैठ व्यक्तिगत मंत्री जी बैठ माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज नो माननीय मंत्री जी प्लीज मैं उनको बैठने को कृपया प्लीज डोंट बी पर्सनल प्लीज बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज सर। अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एक, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना प्लीज। अरे छोड़ माननीय मंत्री जी इधर एड्रेस द चेयर ओनली एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी। थैंक यू सब, अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अवकात नहीं उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताए ना। थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असली इधर इधर में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी जी आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज, हो गया ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट थोड़ी बारिश ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए अभी, अरे कई बैठिए तो सही, बैठिए आप तो। अब 12-13 दिन तो केवल गड़गड़ाहट हुई है, अब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, उसका आनंद लीजिए, कड़वाइट मत करिए प्लीज जी। मिस्टर चेयरमैन सर, दिस मोशन